अब यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ टोटल लिखना है और मुझे टोटल हर एक इस नेम वाले कॉलम के हर एक ब्लैंक सेल में टोटल लिखना है, क्योंकि मेरा इस तरह से कंटिन्यूअस है कि यहाँ पे क्वांटिटी एमआरपी फिर यहाँ टोटल, क्वांटिटी एमआरपी यहाँ टोटल। तो अगर हम मैन्युअली यहाँ पे लिखते हैं और लिख के इसको बोल्ड करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि ये चीज़ एक शॉट में हो जाए, क्योंकि फिलहाल तो 70-80 है, लेकिन आगे इन फ्यूचर में डेटा काफ़ी बढ़ सकता है। तो यहां पे हमने क्या किया, नीचे तक ड्रैग करके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, नीचे तक ड्रैग करके इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में जाएंगे और इस गो टू स्पेशल के अंदर हम यहां ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट प्रेस ओके। जैसे ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके किया, जितने ब्लैंक है ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पे लिखूंगा टोटल, टोटल लिखने के बाद यहां पे हमें नॉर्मल एंटर नहीं प्रेस करना है, क्योंकि नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे सिर्फ B4 के अंदर ही टोटल टाइप होगा। हमें यहां पे कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, जी हां कंट्रोल एंटर। जैसे हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, जो भी ब्लैंक सेल थे सब पे टोटल टाइप हो गया। तो इसका क्या बताता हूँ आपको कि एक एरिया में सेलेक्ट करके कुछ भी नंबर लिख के नॉर्मल एंटर मारते हैं तो नॉर्मल एंटर आपका ऊपर टाइप होकर नीचे चला आता है, लेकिन इसी में अगर आपने कंट्रोल एंटर मारा तो जितना एरिया में आपका डेटा है उस पूरे में कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी अपनाया हुआ है, तो एक कॉपी पेस्ट हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है अगले टॉपिक में कि इस ब्लैंक सेल को फॉर्मूले लगाने हैं।